अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मोटरसाइकिल CD70 चाइना कोई भी सा मोटरसाइकिल हो उसकी जो ब्रेक शू प्लेट है वो तब्दील करने का तरीकाकार बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये ब्रेक शू प्लेट चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो पिछला व्हील है वो खोलना पड़ेगा। व्हील खोलने के बाद हम इसकी जो ब्रेक शू प्लेट है वो तब्दील करने का मुकम्मल तफसील के साथ तरीकाकार बताएंगे। तो यहाँ पर हमने एक्सल वगैरह खोल लिया है और व्हील को बाहर निकालेंगे और उसके बाद ब्रेक शू प्लेट को तब्दील करेंगे। तो व्हील दोस्तों खुल चुका है। अभी ये ब्रेक शू प्लेट आप देख सकते हैं कि ये टूटी हुई है। ये किस वजह से टूटी है, इसका जो व्हील का बैरिंग है वो ख़राब था जिसकी वजह से ये टूटी है, ठीक है। तो यहाँ से टूटने का वैसे मकसद कोई नहीं है, सिर्फ बैरिंग की वजह से ये टूट चुकी है। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम केम खोलेंगे। केम का ये वाला जो बोल्ट है इसको आपने खोलना है और उसको खोलने के बाद इसकी केम को बाहर निकाल लेंगे, इसका जो लीवर है उसको भी हटा लेंगे। तो इस तरह से बोल्ट खोलने के बाद ऐसे आपने एक दो चूड़ी लगा देनी है ताकि जो वाशल वगैरह वो गुम ना हो जाए। तो उसके बाद ये यहाँ पर एक जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि ये आपको छोटा सा एक सुराख नज़र आ रहा है, इसकी सीध में आपने लीवर के ऊपर जो है एक छोटा सा निशान लगा लेना है। इस तरह से अगर आप निशान लगा सकते हैं तो निशान लगा लें, अगर नहीं तो आप इस तरह से ऐसे एक दो लाइनें जो हैं वो आप लगा सकते हैं ताकि आपको बाद में आसानी रहे कि आपने इस जगह पर ही अपनी मोटरसाइकिल की ब्रेक को जो है एडजस्ट करना है, लीवर को फिट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये कोई भी मैकेनिक नहीं बताता। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये हमारे चैनल पर ही जो बारीकी से हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो आसानी से अपने घर पर जो है ये सब जो है काम कर सकें। तो इस वजह से हमने जो है ये वीडियो जो भी बनाते हैं वो बारीकी से ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने केम को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही वो प्लेट जो है ये पुरानी जो हमने निकाली है ये सिर्फ टूटी हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है शो ख़राब हो रहा था। तो अभी यहाँ पर ये हमारे पास सेकंड हैंड है लेकिन है बिल्कुल ठीक, जेन्युइन प्लेट है, ठीक है। इसकी जो किनारियाँ हैं ये बिल्कुल ओके हैं। तो इसमें केम को हमने फ़िट करना है। तो केम को फ़िट करने से पहले सबसे पहले हम इसको लगा लेंगे ग्रीस। यहाँ पर इस तरह से ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में जब आप मोटरसाइकिल को वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद मिट्टी वगैरह जमने से जो है ब्रेक जाम हो जाती है बाद अवकात, तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। जितना भी आप मोटरसाइकिल को धोएंगे ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। तो केम को हमने फ़िट कर लिया है। तो इसके बाद इसके ऊपर वाली ये देखें फिटिंग, एक छोटी सी जो पट्टी है इसको हम इस तरह से लगा देंगे बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ। और अब निशान की सीध में हमने इस केम की जो यहाँ पर थोड़ा सा हमने अंदर केम को इस तरह से सीधा कर लेंगे और निशान की सीध में हमने लीवर को फिट करना है। जिस तरीके से हमने निशान लगाया था उसी तरीके से बिल्कुल जो है उसकी सीध में ही हमने इसको फिट करना है ताकि हमारी जो ब्रेक की एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल जिस तरह पहले थी वैसे ही हो सके, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अब बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर जो ब्रेक शू हैं वो फिट करेंगे। और जो जेन्युइन ब्रेक शू होते हैं ये थोड़ी सी टेंशन बनाते हैं फिट होने में, क्योंकि इनके जो स्प्रिंग होते हैं वो थोड़े उनकी बनावट इस तरह से होती है वो बार बार जो है स्प्रिंग बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर देखें फाइनली इस तरीके से आप फिट करेंगे तो आसानी से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ब्रेक शू प्लेट को फिट कर लिया। अभी हम इसका बोल्ट जो है वो लगाएंगे और टाइट कर देंगे और वापस व्हील के साथ फिट कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हम इसको चेक करते हैं, ये देखें बिल्कुल जेन्युइन तरीके से प्ले इसमें आ रही है, ठीक है। ब्रेक शू प्लेट जो है वो कहीं से भी रगड़ नहीं खा रही, बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो अभी हम इसको वापस जो है व्हील में फ़िट कर देंगे, व्हील को जो है मोटरसाइकिल में फ़िट कर देंगे। तो इस तरह से जो है ये हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है। तो व्हील को फ़िट करने के लिए किन किन चीज़ों को का सबसे पहले करना ज़रूरी है वो आप वीडियो में देख लें।
तो जब दोस्तों आपने एक्सल को टाइट करना है तो आपने ब्रेक दबा कर जो एक्सल को टाइट करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर रابطہ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप उस नंबर से हम पर रابطہ कर सकते हैं। उस नंबर पर आप हमसे चैट भी कर सकते हैं, सिर्फ चैट ही कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।